सबसे पहले हम शुरू करेंगे एल्गोरिथम की डेफिनेशन से. व्हाट इज़ एन एल्गोरिथम? सो एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है विच डिफाइन द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड. और ये इंस्ट्रक्शंस जो एग्जीक्यूट होती हैं वो एक सर्टेन ऑर्डर के अंदर एग्जीक्यूट होती हैं टू गेट टू द डिज़ायर्ड आउटपुट. अगर कोई भी इनमें से स्टेप्स ऊपर नीचे करें तो इस इट माइट अफेक्ट दी डिज़ायर्ड आउटपुट एट द एंड. तो एक एल्गोरिथम होता क्या है, हम एल्गोरिथम लिखते कैसे हैं? सबसे पहले हम स्टार्ट करते होते हैं एक एल्गोरिथम. फिर फॉर एग्जांपल हम उसके वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं जितने भी हों, से ए बी सी डी एंड सो ऑन. और उस उन उन वेरिएबल्स की हम वैल्यूज़ करते हैं, वेरिएबल वैल्यूज़ डिफाइन करते हैं. फिर हम कोई स्टोरेज का इंतज़ाम करते हैं उनके लिए, कहीं स्टोर होगी वो. फिर हम कोई मतलब कोई ऑपरेशन उस पर करते हैं, कोई प्रिंट हो सकता है, कोई अरिथमेटिक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. और एंड में हम फिर स्टॉप करते हैं. मतलब अगर हम इसको देखें तो ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये एक एल्गोरिथम है जिसके 6 स्टेप्स हैं बेसिकली. सही है. अब अगर एक एल्गोरिथम चाहिए हमें से कोई एडिशन के लिए, तो हम क्या करेंगे? हम इसी तरह हम करेंगे, हम एक स्टार्ट ऐड करेंगे. हम ये एल्गोरिथम देख रहे हैं एक एडिशन का, ठीक है. फिर हम क्या करेंगे सेकंड स्टेप में, हम वैल्यूज़ लेंगे जो हमें वेरिएबल की चाहिए, ए बी, ठीक है. फिर हम क्या करेंगे, हम उन उनको स्टोर कराया हमने, ठीक है, वो जब हम डिक्लेयर करेंगे तो साथ ही स्टोर हो जाएगी. फिर हमने जो ऑपरेशन करना है उस पर वो करना है. वो ऑपरेशन क्या है? अब वो ऑपरेशन है ए प्लस बी, ठीक है. इसको हम स्टोर कराएंगे सी के अंदर, ठीक है. फिर हम क्या करेंगे, हम उसको डिस्प्ले कराएंगे जो कि एक और ऑपरेशन है. और फिफ्थ पार्ट होगा हमारा स्टॉप का, हमारा एल्गोरिथम ख़त्म हो गया अब, ठीक है. तो बेसिकली एक एल्गोरिथम जो है वो हम क्यों लिखते हैं इस तरह? हम इसलिए लिखते हैं ताकि हमें एक तो स्टेप्स पता चल जाएँ कि क्या स्टेप्स करने हैं, फिर हम प्रायोरिटी एनालिसिस कर सकें, ठीक है. अब प्रायोरिटी एनालिसिस होता क्या है? दिस इज़ अ थ्योरेटिकल एनालिसिस ऑफ एन एल्गोरिथम टू अचीव द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम, ठीक है. हम किस तरह एक एल्गोरिथम को एफिशिएंट बना सकते हैं, हमने वो करना होता है.